YouTube के इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं शिक्षा जगत संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए। दोस्तों आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को एक्टिव कर सकते हैं। सबसे पहले गाइज मैं आपको बता दूं कि कार्यालय का एक आदेश जारी किया गया है जिस प्रकार से सेकेंडरी टीचर नियोजन को लेकर खबर आ रही है कि नियुक्ति की प्रक्रिया जो है कहीं ना कहीं अब जल्द से जल्द शुरू होने जा रही है। तो सबसे पहले हम कार्यालय का आदेश देख लेते हैं। तो देखिए गाइज ये जारी किया गया है कार्यालय ज्येष्ठ पदाधिकारी कैमूर भुआ से जारी किया गया है मोनिया प्रखंड के अंतर्गत। दे सकते हैं लिखा है कि छठे चरण शिक्षक नियोजन में द्वितीय चक्र में हुए काउंसलिंग के उपरांत देखिए लिखा है कतिपय शिकायतें प्राप्त हुई। उक्त शिकायतों के मद्देनज़र इस कार्यालय के पत्रांक 755 दिनांक 6/9/2021 के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी सचिव प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई मोहनिया से स्पष्टीकरण। दे सकते हैं गाइज ये कार्यालय ज्येष्ठ पदाधिकारी कैमूर का आदेश जारी किया गया है कार्यालय का। इसमें क्या कुछ लिखा गया है वो आप दे सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी सचिव प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई मोहनिया का पक्ष दिनांक 18/9/2021 तक अप्राप्त रहने की दशा में इस कार्यालय में पत्रांक 288 दे सकते हैं। लिखा है कि 2021 के द्वारा जिला पदाधिकारी कैमूर को वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए नियोजन रद्द करने की अनुशंसा की गई। देख सकते हैं गाइज नियोजन को रद्द कराने की प्रक्रिया जो है वो लगातार चल रही है। तदोपरांत प्रखंड विकास पदाधिकारी सचिव प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई मोहनिया के कार्यालय पत्रांक दिया गया यहाँ पे 21/9/2021 द्वारा इस कार्यालय को दिनांक 10/8/2021 को हुए काउंसलिंग पर पक्ष प्रस्तुत किया गया। तो देख सकते हैं लिखा यहाँ पे साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी सचिव प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई जिला पदाधिकारी कैमूर को भी उक्त के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया। जिला पदाधिकारी कैमूर कार्यालय दिनांक 2/12/2021 के द्वारा प्रखंड नियोजन इकाई मोहनिया के संबंध में वर्णित तथ्यों के आलोक में नियमानुकूल कार्रवाई करने का आदेश प्राप्त हुआ है। तो देख सकते हैं गाइस एक बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है कि इस तरीके से पूरा का पूरा ये अपडेट दे दिया गया है कि कार्रवाई उस पर की जाए। और यहाँ पे आप देख सकते लिखा है कि समीक्षा उपरांत प्रखंड मोहनिया के अंतर्गत छठे चरण के द्वितीय चक्र के दिनांक 10/8/2021 को हुए नियोजन को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है। तो इसमें लिखा गया है देखिए इसमें छठे चरण के तहत जो काउंसलिंग की प्रक्रिया हुई थी 10/8/2021 को जो प्रक्रिया कराई गई थी उसमें क्या कुछ गड़बड़ी पाई गई थी, उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां देखने को अब सामने उभर के आ रही हैं। तो वही उस काउंसलिंग की प्रक्रिया को रद्द करा दिया गया है। सवाल ये उठता है कि ये चयनित अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ हो सकता है क्योंकि भाई चयनित अभ्यर्थी जिस प्रकार से काउंसलिंग के बाद बिल्कुल निश्चिंत बैठ गए थे कि अब उन्हें कहीं ना कहीं नियुक्ति पत्र मिलेगा विद्यालयों में जाके, तो अब कहीं ना कहीं दे सकते हैं गाइस। प्रखंड विकास पदाधिकारी सचिव प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई मोहनिया अपने स्तर से इस आशय पत्र को तत्काल निर्गत करना सुनिश्चित करेगा। देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है और लिखा है ग्राम पंचायत झाँव के अंतर्गत छठे चरण के शिक्षक नियोजन के द्वितीय चक्र के लिखा है काउंसलिंग की प्रक्रिया। और देख सकते हैं गाइज यहाँ पे पूरा का पूरा अपडेट दे दिया गया है जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है गाइज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सूचना जारी की गई है इसमें स्पष्ट कर दिया है कि बिहार सरकार सिंचाई विभाग के सूचना ज्ञापन संख्या दी गई है के आलोक में पंचायत सचिव ग्राम पंचायत झाँव नियोजन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक तैयारी करते हुए अधोस्ताक्षरी को सूचित करना सुनिश्चित करेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे और ये देखिए डेट भी पड़ी हुई है। तो यहाँ पे जो गड़बड़ी पाई गई है काउंसलिंग की प्रक्रिया में उसके अंतर्गत काउंसलिंग को रद्द करने की अनुशंसा की गई है, यानी काउंसलिंग की प्रक्रिया को रद्द करने की बात स्पष्ट कर दी गई है कि भाई जो गड़बड़ियाँ आपके समझ पाई गई हैं उसके तहत तो काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो रद्द की जाए। आगे देख सकते हैं गाइस यहाँ पे लिखा है कि 32,714 सेकेंडरी प्लस टू स्कूल शिक्षकों की जो है नियुक्ति को 15 के बाद जो है वो काउंसलिंग के लिए कहा गया है कि भाई शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। तो काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिए आप देखिए जो है एसटीटी के अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी इंतजार में बैठे हुए हैं। 2011 में उन्होंने एसटीटी की परीक्षा पास कर ली थी लेकिन अभी तक जो है प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। तो काउंसलिंग की प्रक्रिया अभी भी अधर में लटकी हुई है। तो देख सकते हैं कि उन्होंने कह दिया है कि नियुक्ति जो है 15 के बाद होगी। तो एसटीटी 32,714 सेकेंडरी प्लस शिक्षकों की जो है वो नियुक्ति के लिए शिक्षा मंत्री तैयार हो चुके हैं और कह दिया है कि भाई 15 के बाद जो है नियुक्ति की यानी नियुक्ति की डेट जो है वो फाइनल कर दी गई है और जल्द से जल्द जो है वो नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। राज्य में छठे चरण के अंतर्गत देख सकते हैं सेकेंडरी एंड प्लस टू विद्यालयों में 32,714 शिक्षक बहाली के लिए 15 जनवरी के बाद काउंसलिंग होगी। तो साफ तौर पर कह दिया गया है जिला स्तर पर नियोजन निकायवार काउंसलिंग होगी। माध्यमिक शिक्षा देख सकते
सकते हैं निशालय की नए काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है और जारी करने की तैयारी पूरी भी कर ली है। देख सकते हैं गाइज, इस सप्ताह जो है काउंसलिंग का शेड्यूल जो है वो जारी हो जाएगा, ये भी कह दिया गया है। और साफ तौर पर लिखा है कि माना जा रहा है कि 17 जनवरी को, देख सकते हैं लिखा है 17 जनवरी से 30 जनवरी तक जो है वो काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी और पूरी प्रक्रिया जो चलेगी उसके बाद जो है वो अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन जो इसके सभी जिलों के NIC की पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है और कहा गया है कि भाई काउंसलिंग के लिए कोटियों में देखते हैं सीट की तुलना में 5 से 10 गुना अधिक अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाएगा। तो देख सकते हैं वीडियोग्राफी की व्यवस्था भी की जाएगी, तमाम जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि किसी प्रकार कोई गड़बड़ी जो है वो ना पाई जाए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है वो गड़बड़ी देखने को मिलती है। तो देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल तो विभाग फूंक फूंक के कदम रखने के लिए तैयार है, अब देखते हैं क्या कुछ आगे होता है। तो सभी न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं सुर्खियों में ये खबर आज छपी हुई कि इस सप्ताह शिक्षा विभाग जारी करेगा शेड्यूल, कह दिया गया है 32-14 हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग 15 के बाद होगी। छठे चरण के तहत हाई स्कूल में 32-14 शिक्षक बहाली के लिए 15 जनवरी के बाद जो है वो काउंसलिंग की प्रक्रिया जिला स्तर पर नियोजन की इकाईवार कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। तो 32-14 हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग जो है वो 15 के बाद सुनिश्चित की गई है। तो कह सकते हैं कि भाई एक अच्छी खबर सामने उभर के आ रही है और कह सकते हैं ये काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो जल्द से जल्द अब पूरी होगी। इस सप्ताह कहा गया है कि शिक्षा विभाग जो है जारी करेगा शेड्यूल और शेड्यूल को भी कह दिया गया है कि शिक्षा विभाग इसी सप्ताह जो है वो शेड्यूल जारी करने की फिराक में है। तो 32-14 हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग जो है वो 15 के बाद होगी। हर न्यूज़पेपर में जो है ये खबर कहीं ना कहीं सुर्खियों में बनी हुई है, चाहे आप प्रभात खबर लें चाहे आप अमर उजाला लें। तो लिखा है छठे चरण के लिए उच्च माध्यमिक शिक्षकों का नियोजन शेड्यूल इसी हफ्ते कभी भी जारी हो सकता है। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी जो है पूरी कर ली है। करीब 33,000 से अधिक पदों के लिए शिक्षा विभाग संशोधित शेड्यूल जारी करेगा। तो दरअसल पंचायत चुनाव की वजह से नियोजन की प्रक्रिया रोक दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक माध्यमिक शिक्षक नियोजन के शेड्यूल जनवरी मध्य में शुरू हो सकता है। तो हर जगह ये खबर सुर्खियों में बनी हुई है और इस खबर से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि विभाग कहीं ना कहीं अब फूंक फूंक के कदम रहेगा, वीडियोग्राफी की व्यवस्था की जाएगी, नियुक्ति प्रक्रिया और चयन का जो कार्यक्रम आगे बढ़ाया गया, नियुक्ति प्रक्रिया में नियुक्ति पर जो बांटने की प्रक्रिया की जाएगी उसमें भी ये चीज़ ध्यान में रखा जाएगा और पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है वो इस तरीके से मॉडिफाई किया जाएगा कि नियुक्ति पत्र बांटने का कार्यक्रम हो या नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम हो, पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वो वीडियोग्राफी की सहायता से पूरी की जाएगी। तो साफ तौर पे स्पष्ट कर दिया गया है कि इसी सप्ताह जो है शिक्षा विभाग जो है वो शेड्यूल जैसे जारी करने जा रहा है और शेड्यूल जैसे ही जारी होता है वैसे ही नियुक्ति पत्र वितरण करके विद्यालयों में योगदान कर दिया जाएगा। वैसे भी शिक्षा मंत्री ने ये बात कह दी है कि भाई जैसे ही हमारा छठवां चरण का समापन होगा हम सातवें चरण के लिए आवेदन लेना प्रारंभ कर देंगे। तो शिक्षक अभ्यर्थियों को बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो सातवां चरण जो है वो जल्द से प्रारंभ हो जाएगा, उसके बाद तुरंत नियुक्ति पत्र लेके विद्यालय में योगदान प्रारंभ हो जाएगा। तो गाइस वीडियो में इतना ही, पसंद आया तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। गाइस तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।